कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह कहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो महिलाओं पर हुए अत्याचार की जांच कराए। नहीं, मैं कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार हो, कुछ भी हिंसा हो, वो निंदनीय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो कोई कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी है करनी चाहिए राज्य सरकार को, जहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे हादसे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। तो जयराम रमेश भी यहां पर कह रहे हैं कि हादसे को गंभीरता से लेना चाहिए। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, अब देखिए कांग्रेस भी इसमें मुखर तौर पर बोल रही है, पहले अधीर रंजन चौधरी बोले, जयराम रमेश भी बोल रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर राज्य सरकार को घेरा जा रहा है। अब बीजेपी को आप भले ही रोक लें, कांग्रेस को भी रोकेंगे, कहां तक रोकेंगे लोगों को? देखिए बिल्कुल, जैसे जो गतिरोध बना हुआ है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम जिस तरह पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यतः वो संदेश खाली पहुंचने की कोशिश कर, लेकिन बेबा का लेफ्ट राइट और सेंटर निशाना जो है वो तमाम विपक्ष के पार्टी बंगाल के, चाहे वो लेफ्ट के पार्टी हो या फिर कांग्रेस, उनकी तरफ से की जा रही है। और आज तो जो मोर्चा निकाला गया है, थोड़ी देर में अधीर रंजन चौधरी भी संदेश खाली पहुंचने वाले। अब देख, और तो ये एक तरीके से शिकंजा जो है सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार के खिलाफ बनते नजर आ रहे हैं। इस बीच ममता बैनर्जी का कल बयान, वो कहती है कि कार्रवाई शुरू हो कर दिया गया है, कुल 17 लोगों को धर दबोचा गया है और इसके पीछे साजिश वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ही बता रहे हैं, और उसके साथ साथ शेख शाहजहां, जिसकी तलाश में अभी भी पुलिस जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी वेयरअबाउट्स अभी तक कोई अता पता नहीं है पुलिस के पास। तमाम सवाल जो है वो उनके खिलाफ है, तमाम आरोप उनके और उनके सहयोगी के खिलाफ है। पिछले एक महीनों से शाहजहां शेख अभी भी फरार चल रहे हैं, जो मुख्य किरदार है ईडी ऑफिसर्स के ऊपर हमले करवाने के, तो अभी भी वो फरार चल रहे हैं। कहां है शाहजहां शेख, इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री कह रही है कि उनको टारगेट बनाया गया है, कभी ईडी के द्वारा तो बीजेपी के द्वारा। कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि हालात जो है पॉलिटिक्स इसको लेकर, राजनीतिक हालात वो बेकाबू है तृणमूल कांग्रेस के, उनके फेवर में नहीं है, और उसके इसके चलते लगातार विपक्ष, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर वामपंथी, वो लगातार ये है घेरे में लाने की कोशिश कर रही है तृणमूल कांग्रेस को, और उसका बचाव में और शाहजहां शेख के बचाव में तृणमूल के तमाम नेता वो दिख रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कल संदेश खाली जाकर पीड़ितों से मिलने वाली एससी आयोग की टीम ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। आयोग ने यह कहा है कि बंगाल में हालात बेहद खराब हैं, वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और आयोग के प्रमुख अरुण हल्दर से आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा ने बात की। जो सबमिट किए हैं राष्ट्रपति जी को, उसमें आपने रिकमेंडेशंस क्या क्या किए? इसमें एक नंबर मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को यही चीज बोला है, उनको समझाया, देखिए अभी उधर में कोई शासन व्यवस्था नहीं है, जो संवैधानिक रूप से शासन व्यवस्था होना चाहिए उधर में नहीं चल रहा है, ये एकदम क्लियर है। और विशेष रूप से आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति वर्ग को सेफगार्ड कर लिए कमीशन बनाया गया है, और ये कमीशन आप लोगों ने ही नियोग दिया, आपने ही नियोग दिया है, और हमारा दायित्व बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, शासक को आपके पास रिपोर्ट देना है। और आर्टिकल 338 में किसी स्टेट गवर्नमेंट अनुसूचित जाति वर्गों को, लोगों को, उनको सेव नहीं कर सकता है, तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग क्लियरली लिख के दिया है, प्रेसिडेंट रूल्स इज मैंडेटरी नाउ। आपने रिकमेंड किया कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए वेस्ट बंगाल में, प्रेसिडेंट रूल के लिए लिख के दिया। आप जब वहां पे गए थे संदेश खाली में, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने ऑब्जर्व किया है, अभी देखिए उधर कोई शासन व्यवस्था नहीं है। देखिए एक सबसे बड़ा ये बात क्या है, उधर में जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सिद्धिनाथ गुप्ता उधर में प्रेजेंट था, जब कमीशन गए उनसे बातचीत करने के लिए पुलिस के साथ में, वो हम लोगों को अवॉइड करके चला गया, इंसल्टिंग किया कमीशन को। अभी हम लोग जब गया, स्टेट प्रोटोकॉल में सब कुछ मिलना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, कुछ भी नहीं दिया। ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वो तो ये कह रही है कि वो जो जगह है वो आरएसएस बीजेपी का गढ़ बन चुका है। एक चीज उन्होंने जो बहुत बड़ी बात कही कि कुछ जो विक्टिम्स निकल के सामने आ रही है वो मास्क लगाकर बोल रही है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, इसको आप किस तरह देखिए? महिला लोग वो गुंडा का सामने अगर सब कुछ देखा कर लोग बताएगा, उनका सेफ तो नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा सेफ के लिए, ऐसा ही बोलना चाहिए। और संदेश खाली की वारदात को लेकर सियासत काफी तेज है, बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार है, तो टीएमसी भी बीजेपी के खिलाफ हमला बोल रही है। वर्ल्ड का सबसे बिग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसका आरएसएस के खिलाफ बोल रही है। आरएसएस अपने सही मार्ग पर चल रहा है, आरएसएस का पकड़
बंगाल में हर कोने कोने में मजबूत हो रहा है, ममता जी का इस बात से साबित हो गया। इसके लिए जो हाथरस में हुआ था और बहुत जगह पे हुआ, तो वहाँ पे बीजेपी नहीं गए, पूरा नेट बंद कर दिया। मैं खुद गई थी, दीदी हमको भेजे थे, उसको जला दिया। तो हम चाहते हैं कहीं पे भी हो, नारी को जो है एक नारी शक्ति जो माँ है, अगर आइन उसके साथ में रहेंगे हम चाहते हैं। और जो हमारा इसमें है पार्टी के लोग बताएंगे, मैं चाहती हूँ जो नारी का सम्मान नहीं दिया उसका सम्मान जरूर होना चाहिए कहीं पे भी हो। बंगाल के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद घटना है। संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम, और जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। उस समय मैं मौजूद था टीएमसी में, और जो नंदीग्राम में हुआ था नरसंहार, आज वही घटना हो रही है संदेश खाली में। ममता बनर्जी वही गलती कर रही है जिसके लिए हम लड़े थे। और मुझे याद आ रही है तापोशी मल्लिक, जो सिंगूर में, जिसका मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, संदेश खाली में जो हुआ, तो इसके लिए जो हाथरस में हुआ था और बहुत जगह पे हुआ, तो वहाँ पे बीजेपी नहीं गए, पूरा नेट बंद कर दिया। मैं खुद गई थी, दीदी हमको भेजे थे, उसको जला दिया। तो हम चाहते हैं कहीं पे भी हो, नारी को जो है एक नारी शक्ति जो माँ है, अगर आइन उसके साथ में रहेंगे हम चाहते हैं। और जो हमारा इसमें है पार्टी के लोग बताएंगे, मैं चाहती हूँ जो नारी का सम्मान नहीं दिया उसका सम्मान जरूर होना चाहिए कहीं पे भी हो। कोई ये बिलीव नहीं करेगा कि ऐसा मध्ययुगीन मिडिवल टाइम्स में जो होता था आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्योंकि हम लोग पीछे चला गया 500 साल। आज ये इस तरह का घटना बंगाल, जो माँ काली माँ दुर्गा का देश है, आज वहां पर हमारे मातृशक्ति को रात में 10 बजे 11 बजे बुला के टीएमसी ऑफिस में मनोरंजन करने के लिए, भोग करने के लिए बुलाया जाता है, ये कोई नहीं विश्वास करेगा। हम लोग शॉक्ड है। जो हम लोग को कह रहा है कि जंगल राज कैसा होता है, डबल इंजन जैसा होता है, ये हम लोग कह रहे हैं। जंगल राज कैसा होता है बीजेपी कहते हैं बंगाल जैसा, और हम लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन जहां जहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, उस तरीके का ही जंगल राज होता है। क्योंकि जब मणिपुर में आग लगती है और मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, तब ये स्मृति ईरानी जी जो मोदी जी के मंत्री हैं तब वो चुप रहती है।